देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, उस किस्मत हमें जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, खुद किस्मत हमें जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, देवी देवता चक्कर से भटक भटक कर आते हैं, हम चौरासी के चक्कर से भटक भटक कर आते हैं, निज से दर निज इच्छा से प्रभु धरती पर आते हैं, प्रभु जी का दरबार बहुत बड़ा हॉल बन जाएगा, दरबार बड़ा बन जाएगा। तो लेकिन वो जो इसका था मकान, वो देने को तैयार नहीं हो रहा था। सब लोगों ने मुझे कहा मकान मिल जाए, कोई बात नहीं, माँ जी कृपा होगी तो अवश्य मिलेगा।
जब मैं चलने लग गया तो मुझे बाहर काफी कुछ लोग छोड़ने आए कार पे, आश्रम से बाहर जब मैं खड़ा हुआ था, तो वो बच्चा भी मैं सबको प्रसाद डिब्बा खोल कर सबको मिठाई बांट रहा था, जो उस मकान का मालिक था वो भी मुझे दरवाजे में खड़ा दिखाई दे गया, दीपा उसका नाम डिब्बा मिठाई का दे दिया। डिब्बा लेते ही बस उन्होंने बाद ही उसका फोन आ गया, मैं अपना मकान बेच रहा हूँ आके ले लू। अभी हम लोग आगरा में थे, हमारा प्रोग्राम ग्वालियर का प्रोग्राम था, ग्वालियर का हम प्रोग्राम करके आए थे आगरा में, वह एक ब्रजमोहन जी है, उनकी पत्नी अंजू हमारे साथ प्रोग्राम में गई थी, तो उनकी बेटी मेडिकल में जिस समय वो 12th क्लास में थी, तभी माँ जी से कहने लग गई थी डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, माँ जी के बाद मैं भी वही बोलने लग गया, माँ ने शरीर छोड़ दिया डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। प्रभु जी कृपा हुई कि पहली बार ही वो नीट क्लियर कर गई और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, उसको अच्छा कॉलेज मिला और उसमें उसने उसकी पढ़ाई शुरू हुई। तो उसको अक्सर क्या होता था, कभी कभी वो क्या बोलते हैं फूड पॉइजन हो जाया करता था, कहीं कहीं कुछ पार्टी वार्टी में खा लिया, वो इतना मतलब उसकी हालत खराब हो जाती थी कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। तो जब हम ग्वालियर से लौट रहे थे तो रात के 1 बज रहे थे, अंजू के अचानक उनके फोन पे फोन आया वहां से झांसी के पास जो मेडिकल कॉलेज है कि आपकी बच्ची बहुत सीरियस है, उसको एडमिट कर दिया है और आप जल्दी से आ जाओ तुरंत, और उसको ड्रिप चढ़ रही है। वो वहां से जाने के तैयार हो गई, मैं अब तो जाना पड़ेगा रात को ही। मैंने कहा अभी रात को मत जाओ, अभी रुक जाओ, मैंने कहा कल देखते हैं, अभी आज रात को मत जाओ, रुक जाओ। मेरी बात मानी, रुक गई रात को, मालूम पड़ा कि अभी वो ठीक है, वापस आ गई है अपने हॉस्टल में और कल उसको घर भेज रहे हैं यहाँ से। वो घर आ गई, घर आई तो वहां पर उसके टेस्ट वगैरह कराए, टेस्ट कराए तो उसके यहाँ पे ना आंखों में पूरे में स्वेलिंग आई थी, यहाँ से यहाँ स्वेलिंग आई और उसका सब खाना पीना भी है, मत खाओ बहुत दुनिया भर की दवाइयां बन गई और दुनिया भर के उसके नियम बन गए खाने पीने के। तो उन्होंने मुझसे कहा गुरुजी इस तरह बच्ची को बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसे डॉक्टर बोला है। मैंने कहा मैं आऊंगा तुम्हारे घर पे। मैं शाम को घर गया उनके, हमारा तो वही है प्रभु जी का चल आरती का, हमने उनके नमो गुरुदेव आरती करी, जल लिया आरती का, पहले उसके ये मेरा बालक है कहकर खड़ा किया संसार में, ये मेरा बालक है कहकर खड़ा किया संसार में। बड़ी कृपा है, चारों तरफ पूरे भारतवर्ष बाद में जा रहा हूँ, हो रही है। वो कैसे हो रही है, उनका संकल्प है, तो जिसको जो कहेगा वो होगा, जो जिसको कराएगा वो उसका होगा, उन्हीं के संकल्प काम कर रहा है। दोस्त मेरे बहुत पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा कर नहीं आ जा,
जब तो आना इम्पॉसिबल है, अब तो ऑपरेशन होने जा रहा है। ये तो कहता है आप ऐसा करो डॉक्टर की बुद्धि फिरवा दो प्रभु जी से, वो खुद ही कहते हैं ऑपरेशन नहीं होगा। मुझे ठीक है तू फिर टाइम था प्रभु जी का पाठ करता है, वो चार घंटे थे वो पाठ करता है। डॉक्टर आए तो कहते हैं अगर हम एक बात सोच रहे हैं तुम्हारा 94% ब्लॉकेज दिखा रहा है, लेकिन तुम चलते भी हो, खुद आ रहे हो अपने आप, सीढ़ी भी चढ़ रहे हो ऊपर की, तो हमारे मन में भावना आ रही है अभी हम तुमको 6 महीने की दवाई खिला के देखेंगे, फिर उसके बाद तब ऑपरेशन की बात सोचेंगे दोबारा टेस्ट करके। बस उसने हमें बताया तुरंत दवाई 6 महीने की मिल गई है कि हमें तो मिल गई, आ जा आश्रम आ जा। वो आश्रम आ गया, राजू तो हम मिलकर आए, धनबाद में आया था प्रोग्राम में हमारे रोज आता था, अब वो बिल्कुल ठीक है एकदम स्वस्थ है। तो श्री क्या कहा, सबके मन की बातें बड़ी गौर से सुनते हैं, जहां सबकी सुनाई हो, जहां सबकी सुनाई हो, ऐसा दरबार